अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ख़ास बात के साथ मैं आपका मेज़बान मेंटोर अब्दुल रहमान। आज हमने हैदराबाद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के कंट्रोलर एग्ज़ाम इम्तहानात जनाब डॉक्टर मसरूर अहमद ज़ई साहब से ख़ास वक्त लिया कि उनकी राय पूछते हैं। आइए उन्हीं की तरफ चलते हैं। डॉक्टर मसरूर अहमद ज़ई साहब जी, अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो आप तमाम साहिबान का शुक्रिया, एच बी का शुक्रिया, और ख़ास बात जब आप लेकर आए हैं तो यकीनन वो ख़ास अंदाज़ ही में करनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि बाज़ तलबा और तालिबात को शिकायत हुई और बाज़ तलबा और तालिबात को शिकायत नहीं रही, बल्कि उनको ज़्यादा खुशी और मसरत का एहसास हुआ। दो बातें हैं, पहली बात तो ये कि तमाम चीज़ों को मसाइल और वसाइल दोनों के तनाजुर में देखना चाहिए। कुछ हमारे पास मसाइल ऐसे हैं कि जिनको अभी वसाइल हासिल नहीं हुए, जिनके ऊपर काबू पाया जा सके। मसलन लोड शेडिंग एक ऐसा मसला है जिससे हमारे तलबा और तालिबात बहुत ज़्यादा परेशान रहे। हमारे पास 9 डिस्ट्रिक्स हैं और 9 डिस्ट्रिक्स में 173 इम्तहानी मराकज़ हैं, जिसमें से 40 मराकज़ ऐसे हैं जिन्हें हमने हसास करार दिया है और उसको ऊपर हमने ख़ास तौर पर नफरी वगैरह और इंतज़ामिया की मदद से अपने इंतज़ाम को बेहतर करने की कोशिश की है। हमारे तलबा तालिबात को सबसे बड़ी जो शिकायत रही है वो यही रही है कि गर्मी के इस मौसम में इम्तहान कंडक्ट करवाए गए। तो मैं आपके तवसुत से तमाम देखने वालों को ये बात बता देना चाहता हूँ कि इम्तहान की तारीख़ का तायुन बोर्ड की इंतज़ामिया नहीं करती, बल्कि एक स्टीयरिंग कमेटी है। स्टीयरिंग कमेटी में पूरे साल का शेड्यूल तैयार होता है, जिसमें गर्मियों की छुट्टियां, सर्दियों की छुट्टियां, एडमिशन, पाँचवीं क्लास के इम्तहान से लेकर यूनिवर्सिटी के एडमिशन तक का तमाम प्रोग्राम डिस्कस होता है और चॉकआउट होता है, और बाकायदा उसके अंदर तमाम जितने भी इससे मुतालिक लोग होते हैं वो तमाम उसमें शामिल होते हैं। उनकी राय के बाद स्टीयरिंग कमेटी एक अपना प्रोग्राम चॉकआउट करती है, जिसके मुताबिक तमाम बोर्ड्स के, सिंध के तमाम बोर्ड्स उसी तारीखों को इम्तहान कंडक्ट कराने पर पाबंद होते हैं। इसलिए इससे हमारा कोई वो नहीं होता, हमारी सजेशन ज़रूर होती है लेकिन हम उसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते। हम ये ज़रूर कहेंगे कि गर्मी के इस मौसम के अंदर स्टीयरिंग कमेटी का ये फैसला होता है। और दूसरी शिकायत हमारे तलबा और तालिबात को ये रही कि उनके मोबाइल्स कुछ के गुम हो गए और नहीं मिले, और उसकी वजह से वो परेशान रहे और उन्होंने स्कूल इंतज़ामिया से रब्ता किया कि हमारे मोबाइल्स फ़ोन नहीं मिल रहे हैं। तो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि देखें, सबसे बड़ी पाबंदी तो ये है कि आपको इम्तहानी मरकज़ के ऊपर मोबाइल लेकर आना ही नहीं है, और अगर मोबाइल आपका मिसप्लेस होता है तो इसकी ज़िम्मेदारी किसी भी सूरत के अंदर इंतज़ामिया के ऊपर नहीं आयद होती। ये बात हम आपके स्लिप के ऊपर भी लिख चुके हैं, सोशल मीडिया के तहत भी बता चुके हैं, और हर एतबार से आप तक ये बात पहुँचाई जा चुकी है कि इम्तहानी मरकज़ पर आपको मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं आना। जी, कंट्रोल इम्तहान से कि बोर्ड ऑफिस की तरफ से तलबा के लिए जो असनाद जारी की जाती हैं उसकी डुप्लीकेट कॉपी हासिल करने के लिए तलबा आपके पास आते हैं, तो आपने उसकी फीस का जो लेवल है वो बहुत ऊंचा रखा हुआ है, तो क्या आप ये नहीं समझते कि ये तमाम लेवल जो है ये गरीब तलबा के लिए नाकाबिले रसाई है? आपने फरमाया ये कि वह असनाद जो तालिबे इल्मों को दी जाती हैं जब उनकी डुप्लीकेट ली जाए तो वो उसकी कीमत जो है या उसके चार्जेस जो हैं वो बहुत हाई हैं, तो और गरीब तालिब इल्मों की रसाई उस तक मुमकिन नहीं है। आपने जो बताया कि साहब वो 800 रुपये फ़र्ज़ करें या 600 रुपये उसकी कीमत है वो दे दी जाती है और 1500 रुपये के कमाने वाले के लिए, तो ये हम 1500 रुपये कमाने वाले को मद्देनज़र रख कर उसकी कीमत नहीं रखी जाती, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि मार्कशीट रोज़ाना हासिल नहीं की जाती, दूसरी बात ज़िंदगी के अंदर 2 या 3 या 4 मरतबा हासिल की जाती है, उससे ज़्यादा नहीं की जाती। तीसरी बात ये थी कि आपको मुनासिब था कि आप तमाम बोर्ड्स में जितनी भी मार्कशीट की जो प्राइस हैं या कीमत है उसका एक आपके पास एक प्रोफार्मा होना चाहिए था, ताकि आपको मालूम होता कि हैदराबाद के अंदर सबसे कम कीमत हैदराबाद में ली जा रही है। और फिर आपके बाद में दूसरी असनाद की तरफ हम आते हैं, इसलिए कि इसकी कीमत का तायुन जो है वो BOG करती है, और BOG के अंदर ही इसकी तमाम तालीमी असनाद की जो प्राइस जो कीमत होती है या जिसे हम उसका फ़ीस कहते हैं, वो फ़ीस का तायुन जो है वो स्टीयरिंग कमेटी करती है, और स्टीयरिंग कमेटी के जो मिनट्स होते हैं उसको कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसको अप्रूव करती है, और उसके बाद में फिर वो लागू होते हैं। किसी कंट्रोलर, सेक्रेटरी या चेयरमैन की अपनी ज़ाती पसंद या नापसंद से कोई भी कीमत जो है किसी भी डॉक्यूमेंट की कम या ज़्यादा नहीं की जा सकती, और हैदराबाद बोर्ड वो बोर्ड है जिसके अंदर इस वक्त मार्कशीट की सबसे कम जो फीस है वो हैदराबाद बोर्ड की है। बाकी बोर्ड भी ज़ाहिर है, मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा यहाँ, ये है। और तीसरी बात ये कि अब यानी कि आखिरी बात मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ वो ये कि पक्का सर्टिफिकेट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो ज़िंदगी में एक ही मरतबा हम आपको
अपने पैकेज के साथ देते हैं। पहली मर्तबा जो आपको मार्कशीट मिलती है उसकी हम आपसे कोई कीमत नहीं लेते, ये बात भी आपको मेंशन करना चाहिए। दूसरी बात ये कि पक्का सर्टिफिकेट जो हम देते हैं वो भी हम पैकेज की सूरत में देते हैं, वो उसकी भी हम आपसे कोई कीमत नहीं लेते। अब गवर्नमेंट ने जब गवर्नमेंट के बच्चों की फ़ीस को माफ़ किया तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको वैसे ही फ्री मिलते हैं, इसकी कोई आप कीमत नहीं देते। अगर आप ज़रूरत के मुताबिक अपनी कोई डॉक्यूमेंट निकालते हैं और उसमें अगर आप 600 रुपये उसके पेड करते हैं तो मेरे ख्याल में वो सवाल की जद में नहीं आता, और अगर आता भी है तो वो मुझसे कम अज़ कम इसलिए नहीं बनता कि इसका फ़ीस जो है उसका तायुन BOG करती है, और BOG के मिनट्स को अप्रूव जो है कंट्रोलिंग अथॉरिटी करती है, और उसके बाद में फिर ये तमाम बोर्ड्स उसके पाबंद होते हैं। आपका क्या ख्याल है कि बोर्ड के इम्तहानात में जो असेसमेंट का प्रोसेस है वो किसी थर्ड पार्टी को क्यों ना दिया जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी कायम रहे? तो इन दिनों चूँकि अखबारात में भी इस तरह की खबरें शाया हुई थी कि थर्ड पार्टी को जो है ये टास्क दिया जा रहा है। पहली बात तो ये कि बोर्ड क्यों बने, बोर्ड एक एक्ट के तहत बने, 1973 के एक्ट के तहत बोर्ड बने, फिर उसके बाद में उनका एक कैलेंडर बना, फिर उसके बाद में उसके रूल एंड रेगुलेशंस बने। उन तमाम चीज़ों के अंदर क्या चीज़ शामिल है कि बोर्ड का मकसद क्या है, कायम होने का, इम्तहान लेना और रिजल्ट देना, इसलिए थर्ड पार्टी एक्ट के ख़िलाफ़ है। क्लियर होगी बात, इसलिए ये सवाल ही रद्द हो जाता है। दूसरी बात, अब आइए इसकी तरफ कि ट्रांसपेरेंसी वो बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और उसके लिए हम जिस कदर मेहनत कर रहे हैं और हमारे असातिज़ा मेहनत कर रहे हैं वो आप तमाम साहिबान के सामने हैं। असेसमेंट का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो और भी बेहतर से बेहतर होना चाहिए, हर चीज़ के अंदर बेहतरी की गुंजाइश मौजूद होती है और हम भी ये चाहते हैं कि वो बेहतर से बेहतर हो। मैं अर्ज़ ये करता चलूँ आपसे कि उमूमन थर्ड पार्टी ही असिस करती है, आज भी थर्ड पार्टी ही असिस करती है असेसमेंट। होता क्या है, इम्तहान हम लेते हैं, बोर्ड ऑफिस इम्तहान लेता है, स्कूल इम्तहान तैयारी बच्चों की स्कूल करवाता है, बोर्ड ऑफिस इम्तहान लेता है। असेसमेंट जो है वो प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स भी करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स भी करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि प्राइवेट के जो बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल से अपेयर हुए थे उनकी असेसमेंट जो है वो गवर्नमेंट के टीचर्स करें, और गवर्नमेंट स्कूल से जो बच्चे अपेयर हुए हैं उनकी असेसमेंट प्राइवेट स्कूल्स करें। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो असेसमेंट थर्ड पार्टी हो गई, इम्तहान हम ले रहे हैं, पढ़ा गवर्नमेंट वाले रहे और असेसमेंट प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं, इम्तहान हम ले रहे हैं, पढ़ा गवर्नमेंट स्कूल कर रहे हैं, असेसमेंट प्राइवेट स्कूल के टीचर्स कर रहे हैं, तो असेसमेंट तो अभी भी थर्ड पार्टी ही कर रही है और बेहतर इसको करना चाहिए, ये इसके लिए मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा। मैं असेसमेंट के सिलसिले में जब हम देखते हैं कि किसी जब किसी तालिब इल्म का कोई भी एक मसला होता है कि वो उसे मतलूबा मेयार के नंबर नहीं मिलते तो वो बोर्ड ऑफिस से रब्ता करता है और चालान भरकर 600 रुपए की फ़ीस का या 700 या 800 की फ़ीस का चालान भरकर रीचेकिंग के स्टेप पर आता है। तो कॉपी रीचेकिंग का जो स्टेप है, जब वो समझता है कि मैं रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो लेकिन बोर्ड ऑफिस की तरफ से उसे रीचेकिंग नहीं की जाती, उसे रिकाउंटिंग के प्रोसेस तक महदूद कर दिया जाता है कि अगला इम्तहान भी उसके सर पर आ जाता है। तीसरा इसी से जुड़ा सवाल कि वो जो असेसमेंट का प्रोसेस जो थर्ड पार्टी यानी कि प्राइवेट स्कूल्स के तालिब इल्मों का असेसमेंट जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के जो है वो कर रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स के तालिब इल्मों की कॉपियां प्राइवेट कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए कि पाकिस्तान के किसी भी बोर्ड में और किसी भी बोर्ड के किसी भी रूल में और किसी भी रूल के किसी भी एक्ट में ये नहीं है कि बच्चा अपनी कॉपी रीचेक करवा सके, है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को ऑर्डर नहीं दे सकती कि इस कॉपी को रीचेक करवाया जाए, रीचेक है ही नहीं, किसी भी एक्ट में नहीं है, ये बात आपके इल्म में होनी चाहिए थी। और मैं बड़ा मुझे इस बात का वो है कि रीचेक आप लेकर आए, ये लफ्ज़ रीचेक है ही नहीं, हक ही नहीं है किसी भी बच्चे का। तमाम बोर्ड्स के, पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स के तमाम रूल्स में, तमाम एक्ट में, तमाम कैलेंडर्स में रीचेकिंग नहीं है, रीचेकिंग नहीं कर सकते। हमारे मोहम्मद मेमन साहब जो साबिक चेयरमैन थे वो एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि टीचर को वो मेयार, वो टीचर को वो फोकियत हासिल है कि जिसकी असेसमेंट को कोई कोर्ट भी चैलेंज नहीं कर सकता, ये फैक्ट है। इसलिए कि रूल के अंदर रीचेक है ही नहीं, सिर्फ रीटोटलिंग है, और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि रीटोटलिंग के प्रोसेस क्या होता है और उसके स्टेप्स कितने होते हैं। एक पोस्टिंग स्टेप होता है, दूसरा काउंटिंग स्टेप होता है, तीसरा अनअसेस स्टेप होता है, ये स्टेप वो होते हैं जो देखे जाते हैं। फिर आपका तीसरा सवाल इसी से मुतालिक ये था कि उसके अंदर इतनी ताखिर कर दी जाती है कि नया इम्तहान आ जाता है, तो इसका भी एक रूल है और वो रूल ये है कि जब इम्तहान ख़त्म हो जाता है तो उसके 6 हफ्ते होते हैं, 6 हफ्ते के अंदर अंदर वो बच्चा जो है वो अपनी रीटोटलिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। और 6 हफ्ते का मतलब ये हुआ 1.5 महीना,
डेढ़ महीना वो उसके ऊपर गुजार जाता है और उसके बाद जो है वो एक कमेटी होती है और जब केस ज़्यादा होते हैं, कमेटी के मेंबर्स कम होते हैं, तो जब उनका नंबर आता है तभी वो कॉपी जो है वो डी टोटलिंग पे जाती है। कैंडिडेट को एक और सहूलत हासिल है जो उसको नहीं पता, वो मैं आपके तबस्सुम उनको बता देना चाहता हूँ कि रीटोटलिंग के बाद में जब वो रीटोटलिंग उसकी हो जाती है तो वो अगर मुतमईन नहीं है, अपनी रीटोटलिंग से मुतमईन नहीं है, तो एक मरतबा फिर वो दरख्वास्त दे सकता है। ये भी है, इसी तरह नकल के केसेस में भी जो बच्चे पकड़े जाते हैं अगर वो कमेटी उनके खिलाफ फैसला देती है तो तालिबे इल्म को यह हक हासिल होता है कि वो एप्लीकेशन देकर ये बता सकता है कि मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ, फिर उससे ऊपर की एक कमेटी होती है उसके सामने उसको अपीयर होना पड़ता है। तो ये रीटोटलिंग और इसका रिकाउंटिंग जिसे मैंने आपसे कब बताया कि ये उसका प्रोसेस होता है, और रीचेकिंग जो है वो पाकिस्तान के किसी भी बोर्ड के किसी भी रूल में नहीं है। इसी सिलसिले से एक बिल्कुल मुनिक एक सवाल ये है, डॉक्टर साहब क्या आप ये नहीं समझते कि बोर्ड के अमले व अफसरान की किरदार साजी के लिए ताकि उनमें इंसाफ पसंदी, मेरिट पसंदी और करप्शन से नफरत, ये तमाम जो अच्छी तालीमात वाली सिफात हैं ये उनमें पैदा करने के लिए उनको रिफ्रेशर कोर्सेज या काउंसलिंग की वर्कशॉप से गुजरना चाहिए और ऐसी वर्कशॉप होनी चाहिए ताकि उनके मद्देनज़र खौफ खुदा भी रहे और ये भी रहे कि किसी हकदार का हक ना मारा जाए। आप क्या कहते हैं? अभी इस किस्म का ट्रेनिंग्स चलती हैं और भी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, तो जनाबे वाला मैं अर्ज़ करता चलूँ कि अच्छाई और बुराई सब जगह मौजूद है, मस्जिद से भी जूते चोरी हो जाते हैं, खाने काबा में भी जेब कट जाती है। हाँ, खूबियाँ खामियाँ होती हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं, कहीं बेहतर होता है कहीं नहीं होता बेहतर। कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं जो हमें सही करना चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं, कुछ चीज़ें हमारे लिए काबिल फ़ख्र हवाला हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी हमें तस्दीक करना चाहिए। तो अच्छाई बुराई हर जगह होती है, मस्जिद से जूते चोरी हो जाते हैं, खाने काबा में भी जेब कट जाती है। तो बुराई जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है, और जहाँ बुराई है वहाँ पर अच्छाई है। हमें ये देखना चाहिए कि अच्छाई की हम तारीफ करें और बुराई को दूर करने की कोशिश करें। जी, अब एक अहम जुमला जिस पर मैं एमसीक्यू के अंदाज में डॉक्टर साहब से जवाब लेना चाहूँगा, क्योंकि बोर्ड अमूमन स्टूडेंट्स को एमसीक्यू के सवाल पर मुश्तमिल भी एक सवाल नामा देता है जिसका सिर्फ 15 से 20 मिनट होता है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि ये एक एमसीक्यू है डॉक्टर साहब के सामने। डॉक्टर साहब ये बताइए, एक मशहूर जुमला है अमूमन कि हाँ बोर्ड ऑफिस में कोई भी काम बगैर पैसों के नहीं होता, इसके आपके सामने चंद जवाब रखे जा रहे हैं, आप उसमें कोई एक जवाब एप्रोप्रिएट जवाब जो आपकी नजर में वो बताइए। 100%, 80%, 50% ता 70%, यानी 50% से 70% तक, या 20 से 40% के दरमियान, और आखिरी ऑप्शन ये कि नहीं ये बिल्कुल गलत है, आप क्या कहते हैं? इस पर तो जब मैट्रिक का इम्तिहान हुआ तो एमसीक्यू के अंदर सवाल नंबर 7 उर्दू का पेपर था, उसके अंदर कोई एक सवाल ऐसा आ गया जिसमें जो ऑप्शन लिखे गए थे उसमें से कोई भी जवाब दुरुस्त नहीं था। तो फिर तालिबे इल्मों ने जब जैसे हमें ये कंप्लेंट मिली फौरी तौर पर फिर हमने उसकी तस्दीक की, और आपका सवाल जो है वो आज इस मरतबा मैट्रिक के उर्दू के पेपर के 7वें सवाल के मुताबिक है कि सही जवाब इसमें है ही नहीं। मैं ये समझता हूँ कि हर काम बोर्ड ऑफिस में अगर आप प्रॉपर वे में आएँ तो प्रॉपर वे में होगा, आप एजेंटों के हाथ में आएंगे तो वह आपके लिए दुश्वार हमारे लिए परेशान कौन होगा। आप तमाम लोग शॉर्टकट इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो एक दिन का काम एक घंटे में हो जाए, उसके लिए वो खुद अपना इंतखाब करते हैं अपने आप को परेशान करने का, या उसका तोहमत, उसका टैग, उसका निशान, उसका मार्क वो बोर्ड के नाम पर लगता है, जबकि आप खुद जो है उस बिगाड़ का जरिया बन रहे होते हैं। बाहर एजेंट्स हर जगह होते हैं, आप क्यों एजेंट के पास जाते हैं? मेरे कहने का मकसद ये है कि आप अपना पैसा क्यों इन लोगों पर ज़ाया करते हैं? आप गलत रास्ते अख्तियार करेंगे तो गलत जगह पर ही आप पहुँचेंगे, सही रास्ते अख्तियार करेंगे सही जगह पहुँचेंगे। एजेंट्स के जरिए आप लोग काम करवाते हैं, एजेंट्स को आप पैसे दे रहे होते हैं, एजेंट्स को आप अपना वकील और सफ़ीर बना रहे होते हैं, और फिर वो बोर्ड के ऊपर बदनामी का जरिया बन रहा होता है। आप अगर प्रॉपर वे में आए, हमने आपको कोऑर्डिनेशन सेल खोल दिया, आप वहां पर क्यों नहीं जाकर जाते? हमने आपको जो है वो लेडी काउंसलर आपने रखी, हमने खातिन के तमाम मसाइल को हल करने के लिए, आप वहां पर क्यों नहीं जाते? हमने आपको एक विंडो बनाकर दी, आप साहब ने रिक्वेस्ट की कि आप हमारे विंडो पर आइए, तशरीफ लाइए, हम आपको वन डे सर्विस आपको फराहम करके देते हैं, आप वहां पर क्यों नहीं जा रहे?
जब आप जाएंगे इसी जगह पर तो पैसा भी खर्च करेंगे, परेशानी भी उठाएंगे। और आपको एक और बात बताता चलूं कि पैसे देने के बाद भी जो एजेंट्स उनको डॉक्यूमेंट्स देते हैं वो बेशुमार मरतबा ऐसा हुआ है कि वह हमारी तरफ से जाली निकलते हैं, कि वह हम उनको वेरीफाई करते हैं तो वो जाली होते हैं डॉक्यूमेंट। आप गलत रास्ते अख्तियार करेंगे, गलत रास्तों पर जाएंगे। जी जी नाज़रीन, ये वो तमाम सवाल थे जो स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ ज़राए से हम तक पहुँचाए और हमने आप लोगों की तर्जमानी करते हुए बैन ही वही अल्फाज और वही सवालात हमने पेश कर दिए ऑनरेबल जनाब डॉक्टर मसूद मज़ई साहब के सामने और आपने डॉक्टर साहब के जवाब सुने। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? चूंकि प्रोग्राम का नाम ही ख़ास बात है तो हम ख़ास बात ही ख़ास अंदाज में करने के लिए हाजिर हुए थे। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, आपके फीडबैक हम मंतज़र रहेंगे। मैं आपका मेज़बान मेंटर अब्दुल रहमान कुरैशी अब इजाज़त चाहता है, अल्लाह हाफिज़। आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।